हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी पिछले व्लॉग में देखा आपने कि हम लोग अभी उज्जैन आए हुए हैं और होटल में रुके हुए हैं, और अभी आज हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। तो अभी मैंने एक व्लॉग एडिट करके अभी एंड किया है और अभी ये दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी आर्यन तैयार हो गया है और बैग ले लिया, और अभी इसके अंदर गोप्रो लिया है इसीलिए मैंने उसको यहाँ लटकाया है। बाकी मेरे को स्टाइल वाइल का कुछ समझ में है नहीं भाई, तो कमेंट में ये मत करना कि अरे एस्थेटिक ऐसे नहीं दिखते, ऐसे दिखते एक्चुअली। बस इसको मैंने अपना गोप्रो, क्योंकि आगे चल के नहाने वाले इसीलिए मैंने इसको पास में रखा है अपने, ठीक है। तो अभी मैं और आर्यन और सब लोग निकल रहे, तो हम लोग चेकिंग किए थे बैग, तो हम लोग चेकिंग किए थे सुबह 9 बजे और अभी हम लोग अभी 11:30 हो रहे, तो अभी निकल रहे हम लोग। तो यहाँ देखो, यहाँ अपनी पूरी पब्लिक रेडी हो चुकी है, देख रहे हो सब स्मार्ट ही लोग। तो अभी चलते और नीचे उतर के हम लोग ब्लॉग को कंटिन्यू करना। हाँ तो रुको रुको, मेरे को तो आंदो ब्लॉगर भाई जिंदाबाद। तो अभी अजय मामा ने कोई गाड़ी बुक की है, तो अभी आने में टाइम लगेगा। तब तक यहाँ हमारी टीम ने, सोहेल मामा लोग ने सोशलाइज कर दिया यहाँ के बंदों लोग के साथ में। तो यहाँ देखिए, यहाँ एकदम मस्त मंडली बैठ चुकी है और देख रहे हो ये होता है माहौल, अपनी अपनी कहानी बताए जा रहे, हम भी थोड़ा सा भागीदार बनते हैं इसमें। तो फाइनली गाइस, अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और यहाँ देखो हम लोग सब लोग आ चुके हैं इसमें। कैमरा में देख के हाय कर दो गाइस। और यहाँ तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं सबसे पहले? ड्राइवर अंकल मस्त पुराने गाने सुनते हुए एकदम मूड में है, और अभी हम लोग जा रहे हैं शांति आश्रम सबसे पहले, और अभी वहाँ का शूट करेंगे। यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा काफ़ी ठंडा है अपने मुंबई के हिसाब से जहाँ हम लोग का था, और यहाँ के लोग भी काफ़ी प्यारे हैं यहाँ, मतलब जल्दी जल्दी सोशलाइज कर लेते हैं, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अभी चलते देखते आगे और क्या क्या होता है। तो गाइस, अभी हम लोग अपने पहले मंदिर में तो आ चुके हैं। तो यहाँ हमारे भोले बाबा का मंदिर है और ये है अपने कृष्णा जी और बलराम जी का मंदिर। तो सबसे पहले हम अभी भोले बाबा के दर्शन करके आते हैं, फिर कृष्णा वाले मंदिर में चले, कृष्णा जी के मंदिर में चलेंगे। तो आर्यन दर्शन करके आ गया और अभी मैं चलता हूँ दर्शन। हाँ तो गाइस, अभी भोलेनाथ जी के दर्शन हो चुके थे और वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ। और यहाँ देखिए, ये है भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट गोमती कुंड, देखिए क्या सुंदर दिख रहा है। तो कुंड के जस्ट बाजू में ही आ जाते हैं हमारे यहाँ 64 आर्ट फॉर्म्स जो हमारे कृष्णा जी ने लर्न किए थे। तो सबसे पहला था गीत, फिर उसके बाद वाद्य, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते उन्होंने नृत्य सीखा, फिर ऐसे ऐसे काफ़ी 64 टाइप के आर्ट फॉर्म्स कृष्णा जी ने सीखे थे, तो वही सारे यहाँ प्रस्तुत किए गए और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो इसका अभी मैं सिनेमेटिक्स निकाल लेता हूँ। आश्रम भी अच्छे से घूम लिए और हम लोगों ने अच्छे से शॉट्स ले लिए, और ये जगह की बात ही अलग, इतना पीस मिल रहा है ना यहाँ रह के, मन कर रहा है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, मगर अभी हम लोग को दूसरे लोकेशन पे भी जाने गए। तो बस अभी अजय मामा दर्शन करने गए, अजय मामा के दर्शन करने के आने के बाद हम लोग यहाँ से चले और दूसरे, अब दूसरी जगह नहीं, हम लोगों को नहीं पता, और ड्राइवर अंकल को पता, तो ड्राइवर अंकल से पूछना पड़ेगा कि अभी हम लोग कहाँ जाए। क्या आप लोग ये जिस मंदिर में आए हो, ये पूरे भारत और वर्ल्ड में एक मंदिर है, 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थल। ये जो मंदिर बना है पूरे भारत के नाभि के स्थल पर बना हुआ, जैसे अपन इंसान की नाभि है, नाभि के स्थल पर मंदिर बना, पृथ्वी के बीचों बीच में कर्क रेखा यहाँ से निकली, यहाँ से महाकाल, महाकाल से सोमनाथ, क्योंकि शिव जी के मस्तक का पसीना इस जगह पर भूमि माता के गर्भ में गिरा और यहाँ से महामंगल का जन्म हुआ। हाँ तो गाइस, अभी हम लोग मंगलनाथ के भी दर्शन करके आ चुके हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं सिद्धवट में, और अभी यहाँ दर्शन करेंगे और इसके बाद अपन जाएंगे काल भैरव मंदिर, और वहाँ का
कुछ रीति रिवाज अलग है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले यहाँ थोड़ा सा प्यास लग गई है क्योंकि पूरा हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ने 3 मंदिर घूम चुके हैं और अभी चौथे में जाएंगे हम। नहीं नहीं सॉरी, अभी जो ये जो है ये तीसरा है। अभी सिद्धवट मंदिर के भी दर्शन अच्छे से हम लोगों ने कर दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग थोड़े से थक गए तो यहाँ 2 बज गए थे, तो यहाँ अभी गन्ने का रस ले रहे हैं। हाँ तो गाइस अभी गन्ने का जूस आ गया हाथ में और पीते हैं इसको। तो गाइस अभी हम लोग काल भैरव मंदिर जा रहे हैं और काल भैरव मंदिर के थोड़ा सा जो चढ़ावा होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। अभी हम बाकी भगवान जी लोगों को ऐसे चढ़ाते हैं, कुछ अलग प्रसाद चढ़ाते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, मगर यहाँ दारू चढ़ाई जाती है, तो ये भी एक कल्चर है। तो यहाँ सब वही लेके जा रहे हैं, तो अभी हम लोग ने भी ले लिया है तो अभी चढ़ाएंगे। तो गाइस ये देखिए, ये है काल भैरव जी का मंदिर और ये सारे भक्त लोग। हाँ तो गाइस अभी दर्शन करके भी आ गए हम लोग और काफ़ी भीड़ है और हम लोग ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जितने भी मंदिर है ना वहाँ अंदर जाके वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, मगर कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से भी अच्छा अच्छा शूट ले लिए। और अभी प्यास लग रही है मेरे को, तो नींबू पानी पियेंगे हम लोग। तो गाइस अभी अपन कोई गुफा में जा रहे हैं, ये गुफा का नाम क्या है? हाँ तो गाइस अभी हम लोग कोई गुफा में, नाम नहीं देख पाया मैं, मगर काफ़ी गर्मी है ये गुफा में। अरे जय महाकाल, जय महाकाल। महायोगी मत्स्येंद्रनाथ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रामघाट और मेट्रस में यहाँ का जो नज़ारा है ना एकदम बनारस वाली फील दे रहा है, बनारस के घाट वाली फील दे रहा है। मैं दिखाता हूँ, तो गाइस फाइनली अभी हमें रामघाट आ गया। इसके पहले मैं 2-3 जगह और गया था जो कि मैं ऑफ कैमरा और उसको ज़्यादा शूट नहीं किया, तो काफ़ी मस्त मस्त मंदिर थे वो भी, वो मैं शायद मैं शूट किया हूँ मगर वो ये वाले व्लॉग में नहीं डालूंगा, वो शायद सिनेमैटिक में डालूँ मैं। और अभी मैं रामघाट आया हूँ और ट्रस्ट में गाइस एकदम ना वो बनारस सारी फील दे रहा है एकदम। और अभी मैं वहाँ पुल पर भी चलूँगा, तो पुल के यहाँ पर अच्छा और अभी आया और मैंने अपने जूते अपने गाड़ी में रख लिए किसी और का चप्पल पहन के आ रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं भी जा रहा हूँ रामघाट में स्नान करने और अब क्या ही बोलूँ, चलते सीधा। अभी रामघाट भी घूम लिए और मैंने स्नान भी कर लिया, तो उसका सिनेमैटिक शॉट बहुत अच्छा है, उसको भी देखेंगे अभी, आपको दिखाऊंगा मैं। मगर अभी तो पहले हम लोग थोड़ा सा अभी नाश्ता कर रहे, तो अभी हम लोग खा रहे फ्रूट सैलेड, तो यहाँ सब लोग खा रहे। और यहाँ तो गाइस अभी सिर्फ 4 मंदिर बाकी है और अभी रात में मैंने सुना है कि जो महाकाल वाला मंदिर है वो काफ़ी अच्छी लाइटिंग लगी रहती है उसमें, तो अभी ये दिखाता हूँ। और अभी मैंने यहाँ का वो भी लगवा लिया है, बाल की वजह से पूरा कवर हो जा रहा है, तो गाइस अभी हम लोग हरि सिद्धि मंदिर जा रहे हैं और इसके बाद 3 मंदिर और रहेंगे, तो उसमें से सबसे मेन होगा वो महाकाल मंदिर, गणेश मंदिर, महाकाल। हाँ तो गाइस आज एक और सपना पूरा हो चुका है मेरा। मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं उज्जैन आऊँ और आज फाइनली आ चुका हूँ। कई कई मंदिर में ऐसा था कि वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसीलिए मैंने वहाँ का नहीं लिया, मगर तभी भी अभी मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया। और आज हम लोग ने अभी तक 9 मंदिर घूम चुके हैं, अभी और थोड़े से बाकी है और इसके बाद हम जाएंगे होटल और हम लोग कल निकलेंगे घर के लिए। आज हम लोग इधर ही होटल में आराम करेंगे, तो अभी ऐसे ही देखते आगे चलते हैं। और काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को और मैं तो एक बार ज़रूर एक
एकदम रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी एक बार आके ट्राई करो। तो गाइस अभी हम लोग अगले मंदिर में आ चुके हैं और ये है राम मंदिर। और देखो क्या एकदम क्या लाइटिंग, एकदम इसको बोलते हैं प्योर एकदम नेचुरल लाइट, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ आके एकदम पीस, एकदम दिमाग शांत हो गया है, ऐसा मन कर रहा है यहाँ नाचने का। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने सेकेंड लास्ट लोकेशन पर, आई मीन सेकेंड लास्ट मंदिर पर, जो कि है वैकुंठ धाम मंदिर। मेरे पीछे ही है ये देखो, तो मैं अभी अंदर जल के दिखाता हूँ कि क्या क्या है। भाई बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। मैं दिखाता हूँ अभी कैमरा को फुल डिप करके। ये ट्रिप गाइस वर्थ इट था, ये ट्रिप ना वर्थ इट था, सच्ची बता रहा हूँ। अभी सारे यूथ को तो मैं एक बार बोलूँगा कि एक बार आके यहाँ घूमें और हमारी संस्कृति को जानें, ठीक है। और बस अभी हम आगे बढ़ते, अपने अगले लोकेशन पे जाएंगे अभी। तो गाइस अभी हम लोग विक्रमादित्य टीला में जा रहे हैं और ये काफ़ी मस्त लग रहा है, तो मैं इस साइड से देखो। तो गाइस अभी जस्ट जो मेरे आप पीछे देख रहे हो ये मूर्ति है, ये है विक्रमादित्य महाराज जी की सबसे बड़ी मूर्ति, ये उज्जैन में। और मेरे हिसाब से, मेरे जहाँ तक मुझे पता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी मूर्ति विक्रमादित्य महाराज की कोई है तो शायद वो उज्जैन में यही है। तो गाइस अभी हम लोग अपने जा रहे हैं फाइनल मंदिर पे, महाकालेश्वर मंदिर पे। और एक्चुअली अब माइक में अलाउंस हो रहा है कि कोई भी फ़ोन और कोई भी कैमरा अंदर अलाउड नहीं, और लॉकर में बंद करवाना पड़ेगा वरना हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो अब भैया रूल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, तो मैं अब शूट नहीं कर पाऊँगा, मगर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी हम रख लेते हैं फ़ोन को अंदर और अब इन्जॉय किया जाते हैं और अच्छे से दर्शन करते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई सब लोग धीरे धीरे अभी महाकाल मंदिर के अंदर अंदर जा रहे हैं और अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट हम लोग अभी होटल में आए अपने कमरे में, और अभी अजय मामा लोग दूसरे कमरे में सो गए हैं और मैं और आर्यन एक कमरे में सो रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इतने बड़े बेड में तुम्हारा भाई अकेले सोएगा। हाँ तो अभी आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि 12 मंदिर के दर्शन करने में हम लोग की हालत थोड़ी सी पतली हो गई थी, मगर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ पहले व्लॉग को एडिट करने, अभी थोड़ा सा व्लॉग को एडिट कर लूँगा और उसके बाद सो जाऊँगा, तो 1-2 बजे तक सो जाऊंगा शायद। तो बस अब मैं कर रहा हूँ ये व्लॉग को एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वाला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और बस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय महाकाल।